नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। राम मंदिर की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के परकोटे के अंदर परिक्रमा पथ पर 6 मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर की फाइनल डिजाइन में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो कौन से 6 देवी देवता और विराजेंगे राम मंदिर में, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से तैयार अंतिम योजना के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 6 देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर की नींव का निर्माण जोर शोर से हो रहा है और इसके अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अंतिम योजना के अनुसार जन्मभूमि परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के 6 मंदिरों का निर्माण होगा। इसके अनुसार परिसर में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के मंदिर भी बनाए जाएंगे। मिश्रा ने पीटीआई भाषा से कहा कि विभिन्न देवी देवताओं के ये 6 मंदिर राम मंदिर की बाहरी परिधि में लेकिन परिसर के भीतर बनाए जाएंगे। हिंदू धर्म में भगवान राम की पूजा के साथ ही इन देवताओं की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नींव के पूरा हो जाने के बाद अक्टूबर के अंत से या नवंबर के पहले हफ्ते में मंदिर के आधार का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भव्य मंदिर की संरचना में पत्थरों को लगाने के लिए 4 अलग अलग स्थानों पर 4 टावर क्रेन लगाए जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि 1,20,000 वर्ग फुट और 50 फुट गहरे नींव का निर्माण काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने अब नींव को समुद्र तल से 107 मीटर ऊपर लाने के लिए नींव क्षेत्र पर 4 अतिरिक्त परतें बनाने का फैसला लिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक सीमेंट अधिक गर्मी सोखता है, जिससे वातावरण में गर्मी बढ़ेगी। इससे बचने के लिए मंदिर के निर्माण में सीमेंट का कम से कम उपयोग किया जा रहा है। राम मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर के आधार का निर्माण उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 3.5 घन फुट पत्थरों से किया जाना है। मिर्जापुर स्थित 2 निजी कंपनियों को पत्थरों को काटने और लगाने का ठेका दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि मिर्जापुर में महज 10 से 12 घंटे ही बिजली आपूर्ति होने से पत्थरों की कटाई और घिसाई धीमी हो गई है। तो देखा आपने, राम मंदिर के अंदर 6 और मंदिर बनाने की योजना बताई जा रही है। इसके अनुसार परिसर में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के मंदिर भी बनाए जाएंगे। यानी प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ साथ भक्त इन 6 देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।